बर्दे अभिमान है, स्वाभिमान है, एक संकल्प है। इसका रंग बड़ा मनमोहक है, इसकी शान बड़ी निराली है। नमस्कार, मैं संदीप तिवारी टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश प्रदेश के उन युवाओं का जो कि बर्दी की चाह रखते हैं, बर्दी के शान में जीते हैं, बर्दी के लिए सपना देखते हैं, जो बर्दी को प्राप्त करने की तैयारियों में जुटे हुए हैं, आप सभी का स्वागत करता हूं। टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की तरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा की तैयारी के मद्देनजर ऑनलाइन रक्षक बैच की आयोजन करा जा चुका है, किया जा चुका है। इसका अनाउंसमेंट आपने कल देखा था। आज उसी कड़ी में मैं आपके साथ उन सभी योजनाओं को लेकर जो कि आप हमारी इस बैच में प्राप्त करेंगे, मैं आपके सामने हूं। अपने विषय के साथ साथ संस्थान की सभी गतिविधियों, सभी योजनाओं, सभी प्रारूपों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। एक सेशन आपके लिए, आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए आपके सामने साझा करूंगा। आशा करूंगा कि जो भी बातें मैं बताऊंगा वो आपके लिए बहुत उपयोगी और सारगर्भित हो, आप उससे कुछ बेहतर सीख सकें, अपनी तैयारी की कड़ी में एक पार्ट की तरह उसका उपयोग कर सकें। आप में से बहुत सारे लोग के संदेश लगातार हमको मिलते रहे हैं, व्यक्तिगत भी मिलते रहे हैं, संस्थान के माध्यम से भी मिलते रहे हैं, सिस्टम भी देता रहा है, जिसमें आप सभी ने हमेशा उम्मीद जताई है कि हम अपनी तैयारी को आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपकी टीम के साथ करना चाहते हैं, आप बैच प्रारंभ करिए। लेकिन हमारा भी अपना कोई एक इथिक्स है, एक सिद्धांत है कि हम प्रतिदिन बैच नहीं लगाते, लेकिन जब लगाते हैं उसके पहले की योजना, उसके पहले की प्लानिंग, उस पर एक प्रॉपर होमवर्क कर हम प्लान करते हैं। और आज हम उस स्थिति में हैं, हम इस बैच को आपके सामने प्रदर्शित कर सकें, आपको प्रोवाइड कर सकें, आपकी तैयारियों के लिए आपके सामने स्पष्ट कर सकें। तो आइए, देर ना करिए, इस बैच का भाग बनिए दो तरीके से। पहला पार्ट ये है कि आप सर्वप्रथम देर ना करते हुए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक दिया गया होगा, उस लिंक को ज्वाइन करिए। उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए यह लिंक बड़ा उपयोगी होगा। इस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप तैयारी के लिए सभी आवश्यक जानकारी, विषय वस्तु, विषयों से संबंधित योजनाएं, बहुत सारे ऐसे प्रारूप जो आपके लिए बड़े उपयोगी होंगे, जो आपके लिए एक प्रकार से एक मानक आपका जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे, वो सब कुछ वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। उस लिंक को आप अवश्य ज्वाइन करें। दूसरा जरिया ये है कि आप अगर, जाहिर सी बात है कि अगर आप हम किसी एक तैयारी को मजबूती से करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी एक अनुशासन की, नियमित शेड्यूल की, एक कार्यक्रम की और प्रतिदिन लगे रहने की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आपके अंदर शिद्दत है, आपके अंदर चाहत है इस वर्दी को पाने की, पुलिस बनने की, तो आप मेन फ्रेम में आकर इस पूरी बैच को ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। इस कड़ी को ज्यादा स्पष्ट करूंगा तब जब आप इस टेलीग्राम, इस व्हाट्सएप नंबर को नोट करेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है संस्थान का, जो ऑनलाइन रक्षक बैच के लिए प्लान किया गया है। इस पर आप इसको सीधा सीधा अपने फोन में आप स्टोर करिए। एंट्री फॉर यूपीपी लिखकर हमें संदेश दीजिए, एक मैसेज दीजिए, हवा की हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हमारे संस्थान के जो टेलीकॉलर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो आपसे संपर्क साधेंगे, आपको जरूरी सूचनाएं देंगे, जरूरी बातें बताएंगे और जो भी प्रक्रिया होगी उसको स्पष्ट कर आपको बैच में प्रॉपर मेन फ्रेम में लाएंगे। तो ये नंबर है, नंबर मैं एक बार रीड करूंगा, 7398035775। तो प्लीज इसे नोट करें। इसके साथ साथ अगर आप हमसे बात करके अपनी क्वेरी शांत करना चाहते हैं, अपनी कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं, तो संस्थान के कुछ ऑथेंटिक नंबर हैं। जैसे आप जब हमसे संपर्क करते हैं, सर हमको बात करनी है, हमें जानकारी लेनी है, हम कैसे करें, तो एज ए टीचर, एज ए रिप्रेजेंटेटिव आप इंस्टीट्यूशन, आप हम पर फेथ कर सकते हैं कि ये नंबर हम जो आपको दे रहे हैं ऑथेंटिक है, इन पर आप कॉल करिए, इन पर आप अपनी समस्या का समाधान करिए। ये नंबर लगभग आप देख रहे हैं कि 10-12 नंबर टोटल आपको दिए गए हैं, तो आप इन पर दिन के, सुबह के 9 बजे से रात के 8 बजे तक किसी भी समय आप फोन कॉल करके अपनी दुविधा को दूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं उस टीम से आपका परिचय कराना चाहूंगा, जो टीम हमेशा, अगर आपने उत्तर प्रदेश में रहकर
अन्य कोर्सेस की भी प्रिपरेशन करी है। आपके सगे संबंधी जो तैयारियों में लगे हुए हैं, यूपी ट्रिपल एससी कमीशन के, यूपी टीचिंग एग्जाम्स के, यूपी पुलिस यूपीएसआई के, तो वो इस टीम को भलीभांति जानते हैं, इस टीम की गुणवत्ता को जानते हैं। यह टीम वही है जिसने अभी तक आपको कई सारे सफलता के कीर्तिमान तक पहुंचाया है। वही टीम आपके सामने है, उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रिपरेशन कराने के लिए आपके सामने एक मजबूत पिलर की तरह खड़ी है। रवि सर होंगे, हम होंगे, हिंदी वाले सर होंगे, निरंजन सर ज्योग्राफी वाले होंगे, साइंस के आर कुमार सर होंगे, आपके इतिहास के गौरव पांडे सर, वी के शुक्ला सर। यहाँ पर इसको और मजबूती देने के लिए अन्य सदस्यों को भी शामिल किया गया है। जैसे आप देखते हैं कि मैथ विषय, रीजनिंग विषय, यह एक बड़ा चैलेंज होता है। इस चैलेंज को दूर करने के लिए पूरी मॉनिटरिंग हमारी है, पूरा कंटेंट हमारा है, मैंने पढ़ाया है आपको और पढ़ाऊंगा भी पूरा, पूरी तरह से आपकी तैयारियों में आपके साथ खड़ा रहूंगा अंत तक। लेकिन और मजबूती के लिए, इसको और बेहतर बनाने के लिए, आपकी समस्याओं का तुरंत त्वरित निदान करने के लिए, मैथ विषय के लिए शुभम सर को, रीजनिंग विषय के लिए विकास सर को, जो एक बड़े स्तरीय टीचर हैं, जिन्होंने भी इस फील्ड में रहकर बहुत काम किया है, हमारे सहयोगी की तरह काम करेंगे। मेन फ्रेम में हम और रवि सर मैथ और रीजनिंग के लिए दिखेंगे, लेकिन हमको सपोर्ट ये करेंगे, सपोर्ट के साथ साथ आपकी तैयारियों को मजबूत बनाएंगे, कभी भी जरूरत पड़ने पर आपके सामने खड़े रहेंगे, किसी भी प्रकार की दुविधा के लिए तुरंत त्वरित निदान करेंगे। संस्थान इसको एक मजबूत फैक्टर अपना मानकर चल रहा है। तो ये आपके सामने है, एक टीम आपके सामने है जिसने हमेशा तटस्थ रहकर तैयारियां आपको कराई है। ये तो रही बात कुछ जरूरी जानकारियों की, क्योंकि हम जाहिर सी बात है किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को, बेसिकली आप इस बैच को अगर प्रोडक्ट नाम दें, हम अगर लेते हैं, मतलब हम उसे रिसीव करते हैं, उसके लिए कुछ सर्टेन पे करते हैं, तो उसकी गुणवत्ता जानना चाहते हैं। और ये नियम होता है, जिम्मेदारी हमारी, कि हम आपको अपनी गुणवत्ता से परिचय दें, जो कहें उसको हम पूर्ण करके दिखाएं। इस बात को हमें हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इस पर फेथ कर सकते हैं। आपने हमें पहली बार नहीं देखा है, इस टीम को पहली बार नहीं देखा है, इस सिस्टम को पहली बार नहीं देखा है, तो आप हम पर फेथ कर सकते हैं कि हम जो कहते हैं 90% से अधिक उसको पूर्ण करते हैं। 100% परफेक्शन संभव नहीं होता है, लेकिन 90% से अधिक अगर हम क्षमता रखते हैं तो हम सही करते हैं, और हम गुमराह करने की बात नहीं करते हैं। जो आज हम आपसे कहेंगे वो कोर्स के एंड तक आपको प्रोवाइड करेंगे। इसलिए जरूरी होता है कि उस बैच की विशेषता आपको स्पष्ट कर दे, जिस बैच में आप इनरोल होने जा रहे हैं, उसका उसमें आप रहकर पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो उस विशेषता को आप जरूर पॉइंट करिएगा। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, जब आप ध्यान से देखिएगा, जब मैं पढ़ाता हूं किसी टॉपिक को प्रारंभ करता हूं, तो सबसे पहले उसके सभी बिंदु, भले ही आपको मैं नोट्स में, भले ही मैं आपको पहले से ही पीडीएफ में उपलब्ध करा दूं, लेकिन अपने हाथों से लिखकर दिखाता हूं कि आप इसको लिख लो, इसमें कुछ भी छूटा तो आप हमसे कह देना कि सर ये बचा है, इसलिए मैं यहां जो लिखा हूं ये भले ही टाइपिंग है, लेकिन ये मेरी शब्दावली है, तो मेरा ही कमिटमेंट है, संस्थान का कमिटमेंट है कि प्रतिदिन 5 घंटे से अधिक लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। संस्थान ने हमेशा लाइव क्लासेस पर प्रायोरिटी दिखाई है। लाइव क्लासेस का एक नया कीर्तिमान टारगेट विथालो का इंस्टीट्यूट ने दिया है, और आज वही एक प्रेरणा बनी है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। तो आप हमसे प्रतिदिन डेली लाइव 5 घंटे क्लासेस करेंगे, 5 से अधिक भी चलती हैं जरूरत पड़ने पर। सुपर टेट वाले अगर देख रहे होंगे तो कहेंगे कि सर 10 घंटे हम पढ़ते हैं, और वास्तव में कहते हैं सर 2 घंटे बंद कर दीजिए, 3 घंटे बंद कर दीजिए, बड़ी दिक्कत हो रही है, मैनेज नहीं कर पा रहे। 5 घंटे अधिक, तो 5 घंटे से अधिक डेली लाइव क्लासेस, कंप्लीट प्रिंटेड नोट्स, नोट्स और गुणवत्तापूर्ण नोट्स, ये बड़ी बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे नोट्स देना और गुणवत्तापूर्ण नोट्स देना, क्वालिटी नोट्स देना, ये बहुत बड़ी बात है, जिसको हम अलग अलग रूपों में, जैसे हैंडरिटन कुछ हमारे शब्दों में लिखा हुआ, हमारे हाथ से लिखा हुआ, हमारे छात्रों के हाथ से लिखा हुआ नोट्स आपको मिलेगा, जो यूपी पुलिस को ही प्रेरित करेगा, उसी से रिलेटेड प्रिपरेशन को आपके सामने स्पष्ट करेगा। प्रैक्टिस सीट जो क्लास के दौरान हम कराते हैं, कंबाइंड प्रैक्टिस सीट जो आपको होमवर्क की तरह मिलता है, टेस्ट सीरीज प्रतिदिन की एक्टिविटी का हिसाब किताब हफ्ते भर में, लाइव रिवीजन डाउट सेशन जो कि टॉपिक कंप्लीट होने पर और जो आपके टेस्ट कंप्लीट होने पर उसका एक डाउट सेशन, मैराथन कक्षाएं, टेस्ट सीरीज, ये सब एक जनरल प्रक्रिया होती है, किसी बैच के भाग होते हैं, और
अगर हम ऐसा करते हैं तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, ये एक्चुअल पार्ट है किसी एक प्रॉपर और मॉड्यूल स्टडी की। तो आप इसको हमसे अचीव करेंगे, प्राप्त करेंगे, ये हमारा आपको दिया गया कमिटमेंट है। क्योंकि आप हमसे गणित विषय हमेशा पढ़ते रहे हैं, तो मेरी भूमिका है कि मैं गणित विषय को आपसे स्पष्ट करूं, गणित के स्वरूप को समझाऊं आपको, गणित में क्या तकनीकी बारीकियां हैं यह स्पष्ट करूं। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने सीरियस तैयारी करना आज से शुरू किया है तो आप समझें जो हमारे एकेडमिक अर्थात पढ़ाई लिखाई के कंटेंट है, जो फिजिकल मेजरमेंट है, जो मापन है, जो मापदंड है, इसके साथ साथ जो आपको और डेट से लेके मतलब डेट ऑफ बर्थ से लेकर और तकनीकी जो जानकारियां हैं, बीच बीच में हम उसको अपने अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। और वास्तव में जो प्रिपरेशन करते हैं वो इतनी बारीकियां रखते हैं, इतनी जानकारियां जो ऊपर की होती रखते हैं, लेकिन बारीकियों को हम आपके साथ हमेशा साझा करते रहेंगे। रवि सर आते रहेंगे, हम आते रहेंगे, संस्थान के रिप्रेजेंटेटिव आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कि आप इस मोड में रहकर अब ऐसी तैयारी करो, यहाँ इस तरह की प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ये हेडल्स आने वाले हैं, इनको कैसे मैनेज किया जाएगा, ये चीज आपको दिखता रहेगा। लेकिन आज के सेशन में जो मेन पार्ट है जिसके लिए आप हमसे ऑनलाइन जुड़ते हैं, जो आपकी स्टडी है, उस पर मैं एक डिटेल्ड चर्चा करूंगा। क्योंकि मेरा मानना है अगर हम किसी कोर्स की तैयारी करना शुरू करते हैं, आप करते हैं, हम कराते हैं, तो आप अननोन हैं, आप अवेयर नहीं हैं, या हैं भी तो अभी मान लो कि नहीं है। सबसे पहले तो हमें होमवर्क करना चाहिए, हमें अवेयर होना चाहिए, जिसके लिए हमने इतना समय लिया तो हमने होमवर्क किया, हमने यूपीपी को प्रॉपर प्लान किया, हमने यूपीपी की तकनीकी बारीकियों को समझा, आयोग ने पाठ्यक्रम अभी नया नहीं दिया उसके पहले हमने चीजों का आकलन किया कि क्या क्या शब्द, क्या क्या कंटेंट, क्या क्या टॉपिक, कैसे विषय, किस तरह का कॉम्बिनेशन आपको फेस करने को मिलेगा। माइनर से चेंजेस आपको दिखेंगे, अन्यथा वही दिखेगा जो हमने आपको आज हम आपके सामने साझा करेंगे। थोड़ी सी जानकारी आप यहाँ पे रखिए, जो अभी तक का प्रारूप रहा है इस प्रकार से, प्रवेश परीक्षा जो आपकी प्रारंभिक होती है उसमें अगर हम विषय कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये आपके सामने है। जनरली चार विषयों में मुख्यतः कोर्स को बांटा गया है, आप देख पा रहे होंगे चार विषयों में मुख्यतः कोर्स को बांटा गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सामान्य ज्ञान की, सामान्य ज्ञान, और बेसिकली हम कह सकते हैं कि सामान्य ज्ञान एवं सामयिक विषय जो है 38 प्रश्न। अब इसमें प्लस माइनस 1-2 दिमाग में रखिएगा, एग्जैक्ट फिगर मत रखिएगा, कभी होता नहीं है, प्लस माइनस 1-2 अगर हम उसी को दो नंबर से गुणा कर दे तो 76 हो जाएगा। इसी तरह सामान्य हिंदी 37 प्लस माइनस 1-2 74। संख्यात्मक क्षमता, जो विषय आप मेरे से पढ़ेंगे जिसका नाम गणित है, जो एक बड़ा चैलेंज रहा है आपके दिमाग में हमेशा, इस गणित को, संख्यात्मक क्षमता को जो दिया है 38, मैंने कहा प्लस माइनस फिर भी दिमाग में 1-2 रखिएगा, 76। मानसिक योग्यता, बुद्धि तर्क क्षमता, जिसको आप बेसिकली रीजनिंग कहते हैं, रवि सर के मार्गदर्शन में आप इसको देखेंगे, 37 74। टोटल 150 प्रश्नों की श्रृंखला, 150 प्रश्नों का मॉड्यूल, 300 अंकों का पेपर आपको फेस करने को मिलेगा। गणित विषय जो संख्यात्मक क्षमता है, जिसको लेकर एक बड़ा चैलेंज मन में रहता है हमेशा, और उस चैलेंज को हम कैसे एक बाधा की तरह ऑब्जर्व करें, अगर हम बात गणित की करें, बात मैथ की करें, तो इस बाधा को दूर करना बड़ा टफ है। अक्सर लोग इसी में लेके बड़ा हमेशा चैलेंज फील करते हैं कि सर यही तो समस्या है, इस समस्या से निजात कैसे पाए। तो मैं तो कहूंगा टेंशन छोड़ दीजिए, मैं हूं, हमारा सिस्टम है, हमारी प्लानिंग है, अगर आप फेथ करते हैं तो करिए और इसकी समस्या समाप्त हो जाएगी, गणित की प्रिपरेशन आपकी आसान हो जाएगी। हालांकि कोई भी विषय जो यहां से पढ़ाया जाएगा, ये दावे से कह रहा हूं, आप इसको अनुभव करेंगे कि हर विषय आपके लिए उतना ही आसान होगा जैसा कि गणित, और सभी विषय आपको बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि सभी विषयों में सभी टीचर अपने आप में दक्ष हैं, हमेशा से यही काम करते आए हैं। हम अपनी प्लानिंग गणित विषय में कैसे आपके सामने साझा कर रहे हैं, सभी विशेषज्ञ टीचर अपने अपने विषयों को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, लेकिन आज मैं गणित को प्रेजेंट कर रहा हूं। सर्वप्रथम तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि गणित में डिमांड ज्यादा होती है, प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्वेरी ज्यादा होती है, पूरे पाठ्यक्रम को मैं कवर कराऊंगा।
लेकिन मजबूती आपको देने के लिए मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, हम शुभम सर को भी जोड़ रहे हैं। शुभम सर आपके लिए एक मजबूत पिलर की तरह, एक अच्छे दोस्त की तरह, एक अच्छे टीचर की तरह आपसे इंटरेक्ट करेंगे। जरूरत पड़ने पर आपकी समस्याओं को आपके साथ हल कराएंगे, आपकी समस्याओं से आपको निजात दिलाएंगे। तो शुभम सर ने इस विषय में, इस कोर्स में इस तरह की प्रिपरेशन की, एक मजबूत आधारशिला रखी है, काफी मेहनत की है, काफी प्लानिंग की है, आज वो हमारे साथ है। मैथ को लेकर के मैं अन्य चर्चाएं आपसे करूंगा, तो थोड़ा सा मैं आपको इनकी कुछ बारीकियों को जरूर स्पष्ट करूंगा पाठ्यक्रम पे जाने से पहले। हमेशा से रहा है, खास करके उत्तर प्रदेश की परीक्षा में, यूपीपी एग्जाम में, कोई भी उत्तर प्रदेश का अगर कोई एग्जाम होता है, मैं केवल पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप यहां पर हमको देख रहे हैं, पेट वाले हैं, पेट की परीक्षा दिए हैं, आपने टीचर्स एग्जाम को फेस किया है, तो वो लोग इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि आयोग का अपना एक अलग मापदंड है, उनका एक अलग सिस्टम है, उनपे उनके उनके जो एम्प्लॉइज है, जो कर्मचारी हैं, उनकी अवेयरनेस कितनी विषय को लेके है मैं नहीं जानता, लेकिन हमेशा खामियां रही हैं, इसको मैं पब्लिक कह रहा हूं। उन्होंने कहा, लिखा कुछ है, पूछा कुछ है, उन्होंने हेडिंग कुछ बनाई है, अंदर कुछ लिखा है, ये हमेशा से रहा है, एक बहुत बड़ी तकनीकी समस्या रही है। उस समस्या से निजात दिलाने के लिए मैं मीडिएटर हूं। आप अभ्यर्थी हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आपको गुमराह नहीं होना चाहिए उन लिखे हुए शब्दों से। और अगर हमको ऐसे पढ़ाना हो कि हम आपको गणित विषय केवल पढ़ा दें, जो पाठ्यक्रम आयोग ने दिया उसी को केवल मैं आपको एज इट इज पढ़ा के हट जाऊं, तो कोई पढ़ाई नहीं हुई, कोई प्रिपरेशन नहीं हुई, कोई प्लानिंग नहीं हुई। प्लानिंग तो वो है कि आपको मैं वही पढ़ाऊं जो आपको परीक्षा में मिले। जाहिर सी बात है कि मैं रिसर्च कराने नहीं आया हूं कि आपको कोई डिग्री डॉक्टरेट की दे दूंगा, कि मैथ विषय में आप डॉक्टरेट लेके जा रहे हैं, ऐसी हमारी कोई योजना नहीं है, ना तो कोई इस तरह का सिस्टम है। यहाँ पे ओवरऑल आपको यूपीपी का एग्जाम क्वालिफाई करना है, इसलिए हमको तो सबसे पहले ध्यान देना है कि हमको पढ़ाना क्या नहीं है, समझ रहे? हमको तो पहले यही स्टार्ट आउट करना है कि क्या क्या चीजें हटा दूं, जो चीज आपको जरूरत नहीं, आपको बिल्कुल मैं उससे एकदम से आपको उसमें गुमराह नहीं करने की स्थिति में रहूंगा। तो अब जो पढ़ना है उसको मैं मैच कराऊंगा, उसको मैं समझूंगा कि आयोग कैसे प्रश्नों को दे सकता है परीक्षा में, कैसे अपने पूरे पाठ्यक्रम को कवर कराएगा जो उसने दिया है रिटर्न। तो उनके पाठ्यक्रम को जब आप अनुभव करेंगे तो आपको लगेगा कि कभी कभी तो ऐसा रहा है और हमेशा रहा है, कभी कभी नहीं हमेशा, कि लिखा कुछ है आया कुछ है, जो नहीं लिखा वो आया है, जो लिखा है वो नहीं आया है। ये बड़ा चैलेंज है, आप देख सकते हैं खास करके इस परीक्षा में जो यूपी का एग्जाम होता है। ये एक तकनीकी बारीकी मैं समझा हूं, मैंने जाना है, और इस बात को आप अनुभव करेंगे जब आप प्रश्न पत्रों को हल करेंगे, जब आप अन्य परीक्षाओं का तालमेल देखेंगे, समझेंगे। यही बारीकी अगर समझ लिया तो टीचर तो सब हैं, सब अच्छा पढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बारीकी के साथ अगर पढ़ा दिया तो आपका सही टीचर है। और मैं कोशिश करूंगा कि इस बारीकी को मैं आपको समझा सकूं, और मैंने हमेशा किया भी है इस बात को, इस बात के लिए आप साक्षी हैं। इस बात में मुझे कोई लेस मात्र का संदेह नहीं कि मैं इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी छोड़ूंगा, इसको मैं 100% परफेक्शन के साथ आपको प्रोवाइड करूंगा। कुछ मैं पाठ्यक्रम पर चर्चा करने चल रहा हूं, गणित को लेकर के भ्रांतियों को दिमाग से निकालिएगा, भ्रम को निकालिएगा, बहुत आसान विषय बनेगा आपके लिए, बहुत इजी बनेगा, बहुत आसानी से आप प्रिपरेशन को सही अंजाम दे पाएंगे। थोड़ा सा पाठ्यक्रम को समझ लीजिएगा, पाठ्यक्रम को जानने से पहले आपने गणित विषय को समझा है, क्योंकि गणित है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। आप ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, टेक्निक है, अर्थात किसी भी समस्या के निजात के लिए आपको गणित को पढ़ना अनिवार्य है। इसलिए यूपी के एग्जाम में, यूपीपी के एग्जाम में भी गणित पूछा जाता है। पहले ऐसे नहीं होता था, शुरुआती में आप सोचो कि कैसे पेपर होता था, किस तरह से भर्तियां होती थी। आज के दौर में कंपटीशन ज्यादा है, पढ़े लिखे पुलिस की आवश्यकता है, आजकल सब मॉडर्न है। आप पुलिस विभाग में भी जाते हैं तो जरूरी नहीं कि आप रफ वर्क, आपको केवल डंडा लेके खड़ा ही रहना है, आप एक मजबूत पार्ट है देश के, एक अच्छे सेवक है, समाज के एक अच्छे सेवक है। आप तकनीकी रूप से भी दक्ष होते हैं, आपको आज कम्युनिकेशन का अलग अलग जरिया आपको फेस करने को मिलता है, आपको ऑन टाइम कम्युनिकेशन के माध्यम से लोगों तक जागरूकता के साथ पहुंचना पड़ता है। इस प्लानिंग को, इस प्रॉब्लम सॉल्विंग को मैथ की मदद से ही हल किया जा सकता है। आपके अंदर वह गुणवत्ता तभी डेवलप होगी जब आपके अंदर लॉजिकल अप्रोच होगी, और लॉजिकल अप्रोच मैथ से ही आएगी, केवल परीक्षा पास करने का जरिया नहीं है,
कि आप आगे अपने विभाग में बेहतर कर सके, इसका एक जरिया है। आपके अंदर वो अप्रोच डेवलप होगा, वो कम्युनिकेशन, वो क्वालिटी डेवलप होगी जो मैथ यहाँ पढ़ने से, रीजनिंग यहाँ पढ़ने से, तर्क शक्ति यहाँ समझने से आप अपने विभाग में भी बेहतर कर सकेंगे और बेहतर प्रमोशन प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए इस विषय को केवल परीक्षा पास करने के उद्देश्य से मत पढ़िएगा, इसको आप एक जीवन में, जीवन के पटल पे उतारने के उद्देश्य से पढ़िएगा। हालांकि मैं कोशिश करूंगा उस डेप्थ तक जाने की, लेकिन फिर भी मेरा मेन ऑब्जेक्टिव आपको परीक्षा को पहले पास कराना होगा। बाकी आप ट्रेनिंग करेंगे और मिलेंगे हम लोगों से भी, हम लोग भी आपको कभी कभी जीवन में, अगर आप हमसे मिलते हैं, हम आपको गाइड करेंगे, जो हमारे बस का है हम आपके सामने साझा करेंगे। हमेशा एक अच्छे मार्गदर्शक की तरह, आपके मेंटर की तरह, आपके गार्जियन की तरह आपको ट्रीट करेंगे और आपको हमेशा एक सही दिशा और दशा देने की कोशिश करेंगे। तो मैं थोड़ा सा जो मुख्य पार्ट है पाठ्यक्रम, उस पर एक चर्चा डिटेल से करता हूं और आप अलग अलग विषयों को भी देखेंगे। थोड़ा सा आज हमारे साथ यहाँ पर पाठ्यक्रम की चर्चा आप कर लीजिए, पाठ्यक्रम की विविधता को समझ लीजिए। गणित विषय को अगर हम लोग यहाँ पर समझें तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये गणित, देखिए, संख्यात्मक क्षमता के रूप में आपको दिया गया है। इसको बेसिकली न्यूमेरिकल एबिलिटी कहते हैं, आंकिक क्षमता कहते हैं। अगर आपने गणित हमेशा पढ़ा है, जाना है, तो आप जानते हैं गणित मुख्यतः दो चीजों से बना है, एक अंक से, दूसरा चिन्ह से। बस यही कहा जाए तो अंक भी चिन्ह ही होते हैं जो न्यूमेरिकली आपके सामने प्रेजेंट किए जाते हैं, जो मेनली 0 से लेकर 9 तक होते हैं। आप देखते हैं यही कुल मिला के मैथ ए नंबर है जो गणित का निर्माण करते हैं 0 से लेकर 9। ये चिन्ह जो आपको फेस करने को मिलेगा, जोड़, घटाव, गुड़े भाग, परसेंटेज, बराबर, रेशियो, ये अलग अलग सिंबल्स आपको मिलेंगे जिसका उपयोग आप गणित के लिए, गणित की समस्याओं, मतलब गणित के माध्यम से समस्याओं को हल करने के लिए अप्लाई करेंगे। आप कैलकुलेशन के लिए इन नंबर्स का उपयोग करेंगे, चिन्हों का बैलेंस के लिए उपयोग करेंगे, अपनी न्यूमेरिकल एबिलिटी को जाहिर करने के लिए करेंगे, इनको मिला के इस गणित का निर्माण करेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी प्रारूप में, किसी भी मॉड्यूल में अगर हमें मैथ पढ़ना है तो मैथ की इस बेसिक इकाई अर्थात अंकों को जानना आवश्यक है। आप कोई भी परीक्षा दीजिएगा जहां पे एप्टीट्यूड की आवश्यकता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी की आवश्यकता है, गणित की आवश्यकता है, वहां पे 100% अंक का इंट्रोडक्शन जरूर होता है। मतलब अंक जरूर आपको फेस करने को मिलता है। अब अंक मिलता है तो अंक बेसिकली पार्ट है, सबसे पहले इनिशियल स्टेज है गणित को समझने की। आपको कहीं किसी परीक्षा में अगर अंक ना भी, मतलब अंक से संबंधित जो चैप्टर है उसको अगर ना भी दिया हो, तब भी मान के चलो कि अंक की रिक्वायरमेंट, अंक से संबंधित फैक्ट्स जरूर हमसे फेस करने को हमको मिलेगा। आप अगर फील करिए तो ये पहला टॉपिक ही संख्या पद्धति नंबर सिस्टम दिया जो अंक पर ही आधारित है, अंक के इंट्रोडक्शन पर ही बेस्ड है। मैं जब इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो आपको सबसे पहले अंकों के मॉड्यूल के बारे में, अंकों के बारे में समझाऊंगा। आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो आप 3 प्रकार के अंकों का उपयोग करते हैं किसी भी कैलकुलेशन के लिए। एक तो आप पूर्णांक का उपयोग करते हैं, एक आप दशमलव का उपयोग करते हैं और एक आप भिन्न का उपयोग करते हैं। ये 3 आपको मिलते हैं, पूर्णांक, दशमलव, भिन्न। पूर्णांक जानते हैं जिसमें कोई डेसिमल पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, वो नंबर 10, 15, 20, 5, जो 4, 6 जो भी आप यूज करिए वो आपके पूर्णांक है। जिसमें दशमलव लगा है आप समझ सकते हैं, जो अंश हर के रूप में है भिन्न है। इन 3 को आप आमतौर पर किसी न्यूमेरिकल में उपयोग में लाते हैं, लेकिन इन अंकों का संपूर्ण वर्गीकरण, इसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन, जिसमें हर प्रकार के अंकों का स्वरूप, उनके आपस में तालमेल, उनकी संरचना, उनका पूरा वर्गीकरण इस नंबर सिस्टम का पार्ट है, जो मुख्य पार्ट है। और मैं आपको कई चीजें इसमें स्पष्ट करता हूं कि उसी के भाग है, इसके लिए अतिरिक्त आपको एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं। जब ये नंबर सिस्टम आपको मैं पढ़ाऊंगा तो आपको मैं सारी बातें बताऊंगा कि वह संख्या दशमलव है कि भिन्न है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, समझ रहे हैं, ये अलग से कोई चैप्टर टॉपिक नहीं पढ़ना है, यहीं पे आपको पढ़ने को मिलेगा सभी प्रकार का वर्गीकरण। अब अगर मैं अंक समझाऊंगा तो मैं कैलकुलेशन की प्रक्रिया बताऊंगा, अर्थात जोड़ बताऊंगा, घटाव बताऊंगा, गुणे बताऊंगा, भाग बताऊंगा, सब कुछ मिला के बताऊंगा। तो सब कुछ जैसे ही मैं मिलाऊंगा वही सरलीकरण बन जाएगा। जब हम सभी प्रकार के ऑपरेटर को एक साथ मिला देते हैं तो टॉपिक आपका सरलीकरण बन जाता है। तो दूसरा पार्ट सरलीकरण,
आगे देखिएगा जो इसने अगला लिखा है, आयोग का पाठ्यक्रम है जो आयोग देता है, उसको मैं स्पष्ट कर रहा हूं आपके सामने। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, ये बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन इसको पढ़ने के पहले नंबर सिस्टम जब मैं संख्या पद्धति आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं भाज्यता का नियम बताऊंगा। भाज्यता का नियम एक ऐसा पार्ट रहेगा नंबर सिस्टम का जो पूरी तरह से इसकी समस्या को, इसकी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। तो आपको महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक पढ़ने के पहले भाज्यता के नियम को स्पष्ट करना बड़ा आवश्यक है। तो आपको इसके लिए उस नंबर सिस्टम के ही पार्ट को, आप सोचिए वो कितना कनेक्टेड है, अलग अलग चीजों को एक साथ रिलेट कर रहा है। फैक्टर्स एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये फैक्टर्स मतलब उसी से रिलेट करते हुए टॉपिक जो आपको देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन, मतलब दिस इज द पार्ट ऑफ दैट, उसी का भाग है। ये जो टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैथ पढ़ने के लिए जब हम किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सभी टीचर ये बताते हैं कि परसेंटेज एक बहुत बड़ा पार्ट है, प्रतिशत एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ऐसा चैप्टर लगभग 40% मैथ कवर कर देता है, किसी भी हालत में उससे कम उपयोगी नहीं है, उससे अधिक उपयोगी ही है, मतलब हर जगह आपको अनुपात और समानुपात दिखेगा, इसकी तकनीकी आप सीखेंगे। दो चैप्टर इनसे संबंधित होते हैं जो लिखे नहीं है, लेकिन 100% मान लीजिए प्रश्न आएगा, ये तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आयु संबंध जरूर पूछा जाएगा, जो लिखा नहीं है लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, आयु संबंध जरूर पूछा जाएगा। साझा, आप अगर पुराना पेपर उठा के देख लीजिएगा, ऐसा साझेदारी का प्रश्न पूछा है जो बैंकिंग वाले भी नहीं कर पाए हैं। तो साझेदारी इसी का भाग है, अनुपात समानुपात का ही भाग है, आयु संबंध इसी का भाग है। एक एक प्रश्न निश्चित कर लीजिएगा दोनों का पूछा जाएगा, इसके अतिरिक्त, इसकी जो बेसिक है उसके अतिरिक्त आपसे आयु संबंध और साझेदारी का एक एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। आगे बढ़ता हूं, हम प्रतिशतता की भी बात ही कर रहे थे आपसे, मैंने कहा कि एक ऐसा चैप्टर है जो एक्चुअली पूरी अर्थमेटिक का बेस है, रूप है, बिना इसके कुछ संभव नहीं है। इसको पढ़ने में भी मजा आता है, पढ़ाने भी मजा आता है, हमेशा एक टीचर इसको खूब कॉन्फिडेंस से पढ़ाता है और मैं भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ इसका उपयोग बताना बड़ा आवश्यक है। यह लगभग 40-50% मैथ को पूरा कवर कर लेता है, केवल अर्थमेटिक में ही नहीं, यह एडवांस में भी बड़ा उपयोगी है। जब आप किसी एरिया, मतलब किसी फिगर टू डायमेंशनल के क्षेत्रफल की बात करेंगे, उसमें वृद्धि की बात करेंगे, उसके परिवर्तन की बात करेंगे, तो यह बड़ा उपयोगी रहेगा। इस पूरे प्रतिशतता को मैं तीन रूपों में बांटता हूं, जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बातें स्पष्ट करूंगा, उससे ही ये चार चैप्टर कवर हो जाएंगे। इन चार चैप्टर के लिए अतिरिक्त एफर्ट करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी अगर यहीं पर आप वर्क कर लेते हैं तो। मैं इसमें सबसे पहले फोकस करूंगा कन्वर्जन पर। कन्वर्जन मतलब कोई संख्या होगी, उस संख्या को प्रतिशत में लिखना और प्रतिशत को संख्या में लिखना, यही कन्वर्जन है। इस पर मैं खूब एफर्ट कराऊंगा, कन्वर्जन। दूसरा हम कहेंगे वृद्धि और कमी, वृद्धि और कमी, अर्थात किसी भी मान को हम प्रतिशत रूप में बढ़ाएंगे और घटाएंगे, किसी भी मान को प्रतिशत रूप में बढ़ाएंगे घटाएंगे, वह बढ़ने घटने की प्रक्रिया दो होती है, एक एकल होती है वन टाइम और एक सतत होती है कंटिन्यूड, दो प्रकार की होगी। कंटिन्यूड मतलब जैसे किसी की सैलरी हर एक टाइम इंटरवल के बाद बढ़ती चली जाए, कोई वस्तु का दाम एक सर्टेन पीरियड पर मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड पर घटना शुरू कर जाए, तो एकल और सतत के रूप में आपको दिखेगी। साथ साथ एक और टॉपिक है इसमें तुलना, जिसमें कई स्तरीय तुलनाएं, जैसे हम आपसे परसेंटेज के बिहाफ पे कोई कंपैरिजन करें कि मैं आपसे कुछ प्रतिशत अधिक हूं तो आप मेरे से उतने ही प्रतिशत तो फिलहाल कम नहीं होंगे, कुछ अन्य प्रतिशत कम होंगे। किसी वस्तु का दाम बढ़े तो उसकी आवश्यकता को कितने प्रतिशत घटाएं कि उसका जो है जो खर्च है जितिज बना रहे, ये सब तुलना के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना होगा। वृद्धि और कमी को थोड़ा समझिए, एक्चुअली किसी वस्तु का जो मूल्य है उसका वजूद है, उसका जो बेस है वही उसका वजूद है, हमारी इनकम हमारा बेस है, हम उस इनकम को अगर सर्टेन प्रतिशत बढ़ाएं तो वृद्धि कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पे घटाएं तो कमी कर रहे हैं, या घटी तो कमी हुई। इसी प्रकार से एक दुकानदार अगर किसी वस्तु के वजूद अर्थात बेस मान को बढ़ा के बेचता है तो उसे लाभ होता है, बढ़ा के बेचता है तो उसे लाभ होता है और घटा देता है तो उसे हानि होती है। एकल रूप से किसी वस्तु के मान को अगर वह बढ़ा देता है तो उसे लाभ होता है और घटा के बेचता तो उसे हानि होती है। इस चैप्टर के लिए हमें कुछ अतिरिक्त एफर्ट खास आवश्यकता नहीं होगी,
हम इसी की मदद से ही इसको आराम से कवर कर लेंगे। अगर बाद में छूट की करूं, देखिए यहां पर केवल स्टेटमेंट बदलेंगे, प्रारूप बदलेगा, वर्किंग एज इट इज होगी जैसा आप यहां पढ़ेंगे, इसलिए इसके लिए अतिरिक्त डिफर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। छूट, छूट को भी अगर आपने ऑब्जर्व किया है, जाना है, इसकी डेप्थनेस, इसकी डेप्थ को समझा है, एक दुकानदार वस्तुओं के दाम को पहले बढ़ाता है, फिर उसके दाम को ग्राहक के सामने कम करके, मतलब कहता है कि देखो इतना है प्राइस, मैं आपको कम कर रहा हूं, कम करके बेच रहा हूं, तो कमी करता है, एक प्रकार से उसने वृद्धि भी किया है और कमी भी किया है। तो वही काम जो वहां हानि में होती थी, वही काम यहां पर छूट की तरह आपको फेस करने को मिलेगी। तो ये भी कोई डिफरेंट चीज नहीं हुई, यह भी एक प्रकार की कमी हुई। अब आपको लगेगा कि यह भी उसी से रिलेट कर गया। अब आगे आते हैं जो है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। आप किसी बैंक में कोई पैसा जमा करते हैं किस उम्मीद से कि हमारा पैसा सेफ रहे और साथ साथ हमें कुछ अतिरिक्त मिले। भैया जो अतिरिक्त मिलता है ना वो ब्याज कहलाता है। इस ब्याज का कैलकुलेशन दो चीजों पर निर्भर करता है, एक दर पर, दूसरा समय पर। जो दर होता है ना प्रतिशत में होता है, आ गया ना ये दर जो होता है प्रतिशत में। तो कभी भी आप वृद्धि में दर के साथ अगर समय इन्वॉल्व कर देते हैं तो ब्याज बन जाता है। अभी तक केवल वृद्धि करते थे प्रतिशत में, कमी करते थे तो लाभ हानि होता था, अभी हमने दर के साथ, वृद्धि दर के साथ अगर समय इन्वॉल्व कर दिया तो ब्याज बन गया। अगर ये वृद्धि दर एकल है वन टाइम है तो इस ब्याज को साधारण कहेंगे, अगर यह वृद्धि दर सतत है इसी ब्याज को हम चक्रवृद्धि कहेंगे। तो मतलब आपने अगर अनुभव किया होगा तो आपको कुछ भी अतिरिक्त, देखिए ये सब क्लासिफाई करना बड़ा आवश्यक है, आपको कुछ भी अतिरिक्त इफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं से ही सारी चीजों को आप रिलेट कर लेंगे। ये टॉपिक आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा प्रतिशत, जो ये 4-5 चैप्टर को पूरी तरह से कवर कर रहा है। मुझे आशा है कि ये चीजें आपको मेरी बताई हुई स्पष्ट और व्यवहारिक रूप से समझ में आई होगी। मैंने अभी पार्टनरशिप का जिक्र किया था, पुलिस के एग्जाम में 100% प्रश्न साझेदारी से पूछा जाएगा, मैंने वहीं पे बता दिया था। एक महत्वपूर्ण भाग औसत है, एवरेज है। औसत सांख्यिकी से भी संबंधित होता है, औसत अपने में भी कंप्लीट होता है। औसत के अंतर्गत कुछ हम एलिगेशन मिश्रानुपात का भाग भी समझाएंगे, लेकिन औसत को बाखूबी और अच्छी तरीके से मैं प्रेजेंट करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि 1 से 2 प्रश्न आपको यहां से मिलना ही मिलना है। आगे मैं दिखाता हूं पाठ्यक्रम के अगले पार्ट को, जो कि आप देख पा रहे हैं, समय और कार्य। टाइम एंड वर्क को ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। समय और कार्य जो है, जैसे हमारे किसी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है, जैसे आप जानते हैं कि हम एक सर्टेन टाइम पीरियड में किसी एक निश्चित टास्क को डन करते हैं, कार्य को समाप्त करते हैं। इस चैप्टर को भी बड़ी तकनीकी और बाखूबी पढ़ना होगा, स्तरीय पढ़ना होगा। यहाँ पर हम अपनी एक्टिविटी को ही यहाँ पर टोटल बेस बनाते हैं, उसको एक सर्टेन टाइम में फिनिश करते हैं, टाइम एंड वर्क जनरेट होता है। हमारी क्षमताओं को परस्पर कंपेयर किया जाता है, हमारे समयों को परस्पर, कार्य को समाप्त करने में समयों को परस्पर कंपेयर किया जाता है, हमें वजूद के हिसाब से, वर्क के हिसाब से मजदूरी दी जाती है, वही सब कुछ टाइम एंड वर्क की प्रक्रिया है। इसमें भी एक चैप्टर इसके साथ इन्वॉल्व होता है, जो कि आपका क्या है, पाइप एंड सिस्टम। याद रखिएगा, पाइप एंड सिस्टम, जिसको आप हिंदी में कहते हैं नल और टंकी। नल और टंकी पूरी तरह से इसी पे आधारित है, कहीं से अतिरिक्त कुछ नहीं। ये अगर आ रहा है तो ये भी आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस जिसको कहते हैं, समय और दूरी बेसिकली इसी से संबंधित हो जाएगा। जब हम इसको पढ़ेंगे तो यहां पर हम आपको जैसे ऐसे बताएंगे कि एक कार्य है, कार्य को आपने बेस बना लिया, उसको एक निर्धारित समय में समाप्त कर रहे हैं अपनी क्षमता के हिसाब से। अगर मेरी क्षमता ज्यादा है तो कम समय लगेगा, क्षमता कम है तो ज्यादा समय लगेगा। ऐसे ही एक दूरी को आप एक टास्क बना लें, एक दूरी को अलाहाबाद से लखनऊ, अलाहाबाद से दिल्ली, कोई भी एक दूरी आपने सर्टेन सोची, उसको एक काम बना लीजिए। आपकी क्षमता क्या है, गाड़ी चलने की जो क्षमता होगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्षमता हो गई, उसके हिसाब से इस दूरी को आप कितने समय में तय किए। तो तीन चीजें इसमें भी बनकर आई, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। डिस्टेंस हो गया कार्य, स्पीड हो गई क्षमता, टाइम हो गया लगा समय। तो अगर देखें तो दोनों संबंधित हैं, कहीं से आपको फर्क नहीं, रिलेशन बहुत बनाना आवश्यक है। इसमें दो चैप्टर इन्वॉल्व होंगे, लिखा भले नहीं, मैंने कहा कि लिखा भले ना हो लेकिन पढ़ना आवश्यक है। ट्रेन कॉन्सेप्ट, रेलगाड़ी पे आधारित जो प्रश्न होंगे, रेलगाड़ी के प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। बोट एंड स्टीम, नाव और धारा, बोट एंड स्टीम, नाव और धारा हिंदी में समझ लीजिएगा।
प्रॉपर डिटेल इसको मैं स्ट्रक्चर्ड वे में आपको समझाऊंगा। तो इसको ही पढ़कर ये दोनों चैप्टर अलग अलग तरीके से किताबों में दिए जाते हैं, इसको भी आपको पढ़ना आवश्यक है। साड़ी और ग्राफ का उपयोग, जो डीआई का पार्ट होता है बेसिकली, इसमें कुछ स्पेशल साड़ी जैसे पेट की परीक्षा में पूछी गई थी उसी प्रकार से साड़ी और ग्राफ के प्रश्न आपको मिलेंगे। आपको एक बार ग्राफ दे करके प्रश्न पूछ सकता है, पाई चार्ट दे करके प्रश्न पूछ सकता है, 3 से 4 प्रश्न इससे संबंधित होते हैं, 5 संबंधित होते हैं एक इंफॉर्मेशन से। आप इतने कैपेबल रहेंगे, यहां पर कॉन्फिडेंस फील करेंगे और उत्तर देके आएंगे, एक ही इंफॉर्मेशन को देखकर एक फिगर को समझकर 5 सही प्रश्नों को करके आएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। मेंसुरेशन, अब आगे देखिएगा, मेंसुरेशन एक ऐसा पार्ट है जो भरा है, मतलब ऐसे कहें तो ब्लैक होल है। अब इस मेंसुरेशन में क्या क्या है, कुछ भी छोड़ नहीं सकते, उसने लिख दिया बस मेंसुरेशन। हमने कहा भैया हमने पढ़ा भी, अब देखिए कैसे, यहां पे हम आपको कोई भी फिगर के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन आमतौर पर हमें मान के चलते, जैसे उसने लिखा नहीं मेंशन अगर नहीं किया 2D की 3D, तो हमें मानेंगे भैया ये दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, दोनों को कम से कम बेसिक तो जान ही ले। लेकिन इस फिगर आकृति को पहले बनाने की कोशिश करें, और बनाने के लिए थोड़ी बहुत जानकारी आपको ज्योमेट्री की जरूर होनी चाहिए। मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दे रहा हूं कि आपको मैं पढ़ाऊंगा इस चीज को, ज्यामिति को। जब फिगर को बनाएंगे नहीं तो उसका उपयोग कैसे करेंगे। एक्चुअली 2 चीज है, जैसे मान लीजिए खेत है आपका, तो पहले खेत की मेड़बंदी करिए, उसके एंगुलर कॉन्सेप्ट मेजरमेंट को समझिए, उसकी बनावट को समझिए, क्यों आयताकार है, त्रिभुजाकार है, क्या है, कैसे समझिए। बनाने के लिए लाइन का उपयोग किया, बिंदुओं का उपयोग किया, एंगल का उपयोग किया, इनको जब बना लिया ना, तब आप जुताई करिए, सिंचाई करिए, गुड़ाई करिए, ये सब आगे की प्रक्रिया है। क्षेत्रफल निकालिए, परिमाप निकालिए, जुताई करेंगे तो जुताई के हिसाब से मतलब क्षेत्रफल को कवर करेंगे, बाड़ लगवा देंगे, तार लगवा देंगे तो आप परिमाप को कवर करेंगे। मान लीजिए कोई धातु है, कोई बाल्टी है, कोई बकेट है, पानी डालेंगे तो उसकी क्षमता को कंसेप्ट क्लियर करेंगे, क्षमता को समझेंगे। इसमें अलग अलग प्रकार के जो फिगर हैं, जैसे 2D संबंधित तो त्रिभुज हो गया, सभी प्रकार के चतुर्भुज हो गए जिसमें आयत है, वर्ग है, समांतर, समलंब, चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, वृत्त, इनके साथ सबके साथ इन्वॉल्व होता दिखेगा। अगर हम 3D में चलेंगे तो घनाभ है, घन है, बेलन है, शंकु है, गोला है, ये सब फिगर भी इन्वॉल्व होते हैं। इनके अलग अलग जो प्रारूप है मेजरमेंट को, उसको हमें पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। छोड़ के कुछ चलेंगे तो सब गड़बड़ है। अगर हम इनकी बारीकियों को समझ लिए तो हमने बेहतर कर दिया। 4 से 5 प्रश्न मान के चलिएगा, इसलिए उपयोगी है, इसलिए हमको पढ़ना आवश्यक है, तो आपको इन पर फोकस करना बहुत जरूरी है। मिसलेनियस लिख दिया, अब आप कोई प्रश्न ऐसा आया कहेंगे सर हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, हम आयोग को चैलेंज करते हैं, कहेगा क्या बात कर रहे हो, देखो लिखा नहीं विविध कुछ भी आप कैसे चैलेंज कर सकते हो, तो विविध तो लिख दिया ना उसने, तो अभी विविध हमारी प्रॉब्लम है, हमारी समस्या है, आपकी नहीं है, आप हम पर क्लेम करिएगा, हम पर कंप्लेन करिएगा, सर आपने तो विविध बोल दिया, क्या पढ़ाया उसमें। यही हम अगर समझ लिए कि विविध में हमें क्या पढ़ाना है तो बहुत बड़ी बात है। इस विविध के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। इस विविध के अंतर्गत जो बचे भाग हैं, कुछ ऐसे पार्ट हैं जो अक्सर पूछे जाते दिखे हैं, जैसे कुछ सेट के पार्ट हैं, कुछ प्रोबेबिलिटी के पार्ट हैं, कुछ आपके अर्थमेटिक में ही ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो अर्थमेटिक से संबंधित हैं, उनको ही हम लोग यहाँ पर मिला दें, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसको हम लोग विविध के अंतर्गत देखेंगे और पढ़ेंगे। तो कहीं से भी आपको, मेरा उद्देश्य जो यही रहेगा, संस्थान का उद्देश्य यही रहेगा, विषय के माध्यम से जरूरी इंफॉर्मेशन और जरूरत के अकॉर्डिंग जो आपकी आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ण करने का, और इस पर हम कमिटेड हैं, इस पर हम तटस्थ हैं, और इसी को हम बेहतर प्लान करने की कोशिश में आपके साथ आपकी परीक्षा तक आपके सामने स्पष्ट तौर पर खड़े रहेंगे। भरोसा करके बैच ज्वाइन करिए, आशा करके हमारे साथ जुड़िए, हम आपको अंजाम तक ले जाएंगे, यही हमारा दावा है। आज के सेशन में इतना ही, आपको ढेर सारा प्यार, धन्यवाद, आप इतनी देर तक जुड़े, पढ़े, देखे, समझे, और तैयारी के लिए एकजुट हो जाइए, जुड़ जाइए। हम लोग अब से शुरुआत कर चुके हैं और अंजाम तक ऐसी ही कर्मठता के साथ आपके साथ डटे रहेंगे। धन्यवाद।